रुकते हैं प्रदेश की ओर। ज्वालामुखी में एक के बाद लगातार एक चोरी हो रही है। यहाँ के शहरवासी सहम उठे हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस के हाथ भी अभी तक खाली हैं और चोरों को पकड़ने में पुलिस बेबस नजर आती दिख रही है। आलम यह है कि एक महीने के अंदर ज्वालाजी में 4 से अधिक चोरियां हो चुकी हैं और इन चोरियों को अंजाम देने वाले लोग अभी भी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर खुले में घूम रहे हैं। ऐसा कहने से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगला घर अब इन चोरों के निशाने पर किसका होगा। ज्वालामुखी में एक के बाद लगातार हो रही चोरियों के बाद यहां के शहरवासी सहम उठे हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस के हाथ भी अभी तक खाली हैं और चोरों को पकड़ने में पुलिस बेबस नजर आती दिख रही है। आलम यह है कि एक महीने के अंदर ज्वालाजी में 4 से अधिक चोरियां हो चुकी हैं और इन चोरियों को अंजाम देने वाले लोग अभी भी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर खुले में घूम रहे हैं। ऐसा कहने से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगला घर अब इन चोरों के निशाने पर किसका होगा। वहीं ये चोर अब ऐसे घरों को अपना निशाना बना रहे हैं जो गरीब तबके के हैं और मेहनत मजदूरी कर अपने पैसे जरूरत पर पड़ने वाले कामों के लिए घर में रख कर बैठे हैं। जानकारी के अनुसार अब तक ये अज्ञात चोर एक महीने में ज्वालामुखी शहर में 4 से अधिक घरों के ताले तोड़कर यहां रखी नकदी व गहनों पर हाथ साफ कर चुके हैं। चोर इतनी सफाई से चोरी की वारदात को दिन दिहाड़े में ही अंजाम दे रहे हैं कि इसकी भनक यहां साथ में रह रहे पड़ोसियों तक को भी नहीं लग रही है। अभी तक चोरों द्वारा दोपहर के बीच सारी वारदात को अंजाम दिया गया है। यही नहीं, ये चोर उन घरों को अपना निशाना बना रहे हैं जो इस दौरान अपने घर से किसी काम के लिए बाहर गए हुए हैं। वहीं इन अज्ञात चोरों को पकड़ना पुलिस के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। हैरानी की बात ये है कि लगातार हो रही चोरियों के बाद ज्वालामुखी पुलिस प्रशासन का दावा है कि उन्होंने शहर में गश्त बढ़ा रखी है, लेकिन इस मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। अब देखना ये होगा कि अपने आप को स्मार्ट कहने वाली ज्वालामुखी पुलिस के हाथ कब ये अपराधी लगते हैं। अब तक ज्वालाजी में चोर इन घरों के अलावा इससे पहले भी 3 घरों के ताले तोड़ चुके हैं। साथ ही ज्वालाजी बस स्टैंड की बेसमेंट में एक बाइक चोरी कर चुके हैं। इन मामलों में पुलिस ने चोरी हुई बाइक का मामला 12 घंटे के भीतर ही सुलझा लिया था, लेकिन चोरी की वारदात के मामले में संलिप्त चोरों को पकड़ने में ज्वालामुखी पुलिस अभी तक नाकाम साबित हुई है। लिहाजा ज्वालाजी में अब चौथी चोरी की वारदात एक महीने के अंदर वार्ड नंबर 1 में फिर से सामने आई है। इससे पहले ज्वालाजी वार्ड नंबर 2 में 14 अक्टूबर को पहली चोरी हुई थी, जहां चोरों ने गिरीश के घर में 70,000 के गहने व 20,000 नकद चुराए थे। इसके बाद 19 को ज्वालाजी बस स्टैंड से बाइक चोरी हुई थी, जिसे पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ढूंढ निकाला था। इसी बीच 22 अक्टूबर को ज्वालाजी वार्ड नंबर 2 के एक घर में ही चोरों ने 35,000 रुपए नकद व 70,000 रुपए के गहने चुराए थे। इसके बाद भी चोरी की वारदात 5 नवंबर को दिलीप सिंह नेगी के घर में हुई थी, जहां चोर 15,000 की नकदी व कुछ गहनों पर अपना हाथ साफ कर गए थे। और अब दोबारा वार्ड नंबर 1 में चोरी की वारदात सामने आई है। डीएसपी ज्वालाजी तिलक राज ने बताया कि शहर में हुई चोरियों के बाद पुलिस ने सिविल ड्रेस में कुछ एक पुलिस के आदमी लगाए हुए हैं, जो हर संदिग्ध व्यक्ति की निगरानी रखे हुए हैं, साथ ही हर गली में घूम रहे हैं। इस बीच संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की जा रही है। जल्द ही मामले में संलिप्त आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। क्या क्या इंतजाम, क्या क्या प्रशासन की तरफ से किया गया है? पिछले कुछ समय में ज्वालामुखी में दिन में भी चोरियां हुई हैं। इसके लिए मैंने अलग से सिविल में कुछ अपने लड़के लगाए हैं। दिन के समय भी गली में बाजार में गश्त कर रहे हैं, जैसे कोई हमें मिलेगा संदिग्ध व्यक्ति या मिल रहे हैं तो उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। अभी कोई सुराग चला नहीं, कि जल्द ही भविष्य में, निकट भविष्य में इसका सुराग चल जाएगा, जल्दी पता लगेगा इसके बारे में।